नमस्कार साथियों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे NCERT कक्षा 7वीं की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 के बारे में। ठीक है, ये आपकी कक्षा 7वीं की है। याद रखिए कि कक्षा 6वीं की आपको जितनी भी NCERT की जरूरत थी वो सभी टेलीग्राम पर डाल दी गई हैं, और हम लोगों ने बात भी कर ली है कक्षा 6वीं की सभी बुक्सों के बारे में जो हमारे लिए जरूरी है। कक्षा 7वीं की हमें देखना है 4 किताबें, जिनमें हम लोग सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग को देख रहे हैं सेकंड को, और इसमें हमारा अतीत सेकंड है कक्षा 7वीं की, और हमारा पर्यावरण और विज्ञान, इन 4 बुक्स को हमें देखना है। ठीक है, तो आपके सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकंड में हम लोग बात कर चुके थे, एक चैप्टर खत्म कर चुके हैं। पहला चैप्टर था हमारा समानता, दूसरा था स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, आज हम बात करेंगे इसमें तीसरे चैप्टर में राज्य शासन कैसे काम करता है आखिर, इसके बारे में जानेंगे। याद रखिए, मैं आप लोगों से बार बार यही कहता रहा हूं, किसी एक कहानी की तरह पढ़िए या कहानी की तरह सुनिए, क्योंकि इसमें समझाने लायक कोई भी टर्म्स ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। एक दो बार आप पढ़ेंगे आराम से हो जाएगा, जो भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना है आराम से हो जाएंगे, इसलिए ज्यादा दिमाग में मत लाइए। एक बार शुरू से सुनिए और एंड तक देखिए, अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो दोबारा देखिए। मुझे लगता है दोबारा देखोगे आप 90 से 95% आपका क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा कठिन भाषा में लिखी गई ही, बहुत सरल शब्दों में लिखी गई कक्षा 8वीं तक की जो भी NCERT है, जहां से हमें दिमाग लगाना है वहां हम बता देंगे आराम से। ठीक है, जिम्मेदारी किसकी है? देख, यहाँ लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं, कई गांव में लोग गंदला पानी पीते हुए पाए गए, नदी नाले और तालाब सूख गए हैं, बुरी तरह से प्रभावित इलाके में गांव के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं, ये लोग न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं। पिछले वर्ष हमने यह चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है, एक स्थानीय, दूसरा राज्य और केंद्र। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में जाना था। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है, लोकतंत्र में राज्य शासन का किस तरह किया जाता है, विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है, लोक शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं और किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। हम इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं। जिला मुख्यालय पातालपुरम में लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है। यहाँ का जिला चिकित्सालय मरीजों से अटा पड़ा है, मतलब भरा पड़ा हुआ। इनमें बड़ी संख्या में है जैसे पीड़ित बच्चे हैं। टीवी पर समाचार में बताया गया था कि है जैसे 10 लोगों की मृत्यु हो गई। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई सचमुच इससे मर सकता है? क्या पता है बस मुझे ना हो जाए यह बीमारी, ये बोल रही। उन दिन दोपहर में इनकी मम्मी ने कहा कि बाजार में कुछ ठंडा नहीं नहीं पीना है। आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण इन्हें सुना दिया। तो अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए सिरिन। जी जी हाँ, अचानक रुक जाओ। रैली के कारण यह सड़क बहुत गंदा है, सड़क बंद है। रैली वालों ने विधायकों के घर का घेराव कर लिया है। सचमुच, लेकिन क्यों? उन्होंने कुछ कर दिया है क्या? हाँ हाँ, ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया, और हम यह मांग रहे हैं करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाए। हमारे विधायकों को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कैसी ऊंची आवाज है इनकी, ये कोई नेता वेता होंगे सांसद? मैंने इन्हें टीवी पर भी देखा है, ये विरोधी दल के नेता है। विधायक कौन होता है, बात करते हैं विधायक कौन होता है। उपयुक्त भाग में आपने पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा है, शायद आप जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नाम से परिचित भी होंगे, परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी MLA से परिचित हैं? क्या आपको पता है कि वे किस पार्टी के? विधानसभा के सदस्य को विधायक या फिर MLA कहा जाता है। MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव
असेंबली का संक्षिप्त रोम है, रूप है एमएलए, ठीक है। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, यानी कि इनके चुनाव में जनता वोट डालती है। फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण से यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा, हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। उदाहरण के लिए यह दिए गए मानचित्र को देखिए, इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश में 68 निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विपक्षी पक्ष वाला कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों की 68 निर्वाचन क्षेत्र है। आपको बता दें कि जैसे अगर आपके 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं, विधायकों की सीटें हैं, इसमें से जिसकी भी आपकी 34 सीटें, 34 से ज्यादा मतलब 35 सीटें आई, वो निर्वाचित होगा, उसका वो सत्ता दल का होगा, उसका मुख्यमंत्री बनेगा, और जिसकी कम है वो विपक्ष में होगा, ठीक। विपक्ष का भी एक कानून है, विपक्ष में अगर 10% सीटें उसके पक्ष में आती हैं तो ही वो विपक्ष में बैठ सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा 17वीं लोकसभा हो, फिर चाहे आपकी 16वीं लोकसभा हो, इसमें कोई भी विपक्ष का नेता नहीं चुना गया है, क्योंकि किसी भी पार्टी के पास 10% सीटें नहीं आई है लोकसभा में अन्य के पास, ठीक है। तो इसलिए विधायक विरोधी पक्ष में कोई ऐसा मतलब विपक्ष का नेता नहीं है, ठीक है। अगर 10% सीटें होती कांग्रेस की भी किसी भी दल की, तो उसे विपक्ष में का नेता चुना जाता है। हिमाचल प्रदेश में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम, राजनीतिक दल चुने गए सदस्यों की संख्या, ठीक है। तो आपको तो उदाहरण देखना है, आपको क्या अभी थोड़ी कुछ आपको देखना है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 44 सीटें मिली इसमें से, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC को 21 सीटें मिली, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को 1 सीट मिली, निर्दलीय जो किसी भी पार्टी के नहीं है उन्हें 2 सीटें मिलेंगी, ठीक है। तो इसमें आपका राजनीतिक मुख्यमंत्री किसका बनेगा? भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इसे आधे से ज्यादा सीटें मिली हुई हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है, इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता हुई। भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया और वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। इस उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे। विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीतकर आए। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनाता है। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्य का प्रमुख होता है राज्यपाल, जिस तरह आपका केंद्र का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, उसी तरह आपका राज्य का प्रतिनिधित्व करता है राज्यपाल। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों या फिर विरोधी दल के हों, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं।
इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक विधायक के रूम में और दूसरे मंत्री के रूम में। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं विधानसभा में एक बहस। आपरीन, सुजाता और उनके विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। विधानसभा एक अत्यंत भव्य तथा प्रभावशाली भवन में स्थित थी। बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी, जहां से वे नीचे के विशाल हॉल को देख सकते थे। हॉल में डिस्कों की अनेक कतारें लगी हुई थी। यह विधानसभा उन दिनों की किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर रहे थे। संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव भी दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्रयास उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों या फिर समाचार पत्रों में उन्हें देखते हैं व पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए। इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। विधायक अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए यही बड़ा शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि वे स्थिति को नियंत्रित में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाएं। ये विधायक एक बोल रहे हैं, फिर विधायक दो क्या बोल रहे हैं सुनिए। मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब है क्यों है? सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों व चिकित्सा कर्मचारियों को ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि सरकारी स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है, जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं और यहाँ संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब यह महामारी का रूप ले चुकी है। विधायक तीन, तीसरा विधायक क्या बोलता है? मेरे निर्वाचन क्षेत्र तोल पट्टी में भी पानी की कमी की गंभीर समस्या है। औरतों को पानी लाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। मैं जानना चाहूंगा कि पानी पहुंचाने के लिए कितने टैंकरों को काम में लाया गया है, कितने कुएं और तालाबों की सफाई करवा कर उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया। फिर विधायक चार क्या बोलता है? मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए। पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया गया है। ORS की पैकेट बांटे जा रहे हैं। सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। विधायक पांच, पांचवा विधायक क्या बोलता है? हमारे अस्पतालों में सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें कोई डॉक्टर नहीं है और चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्त ही नहीं किए गए हैं। दूसरे अस्पताल में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं और यह शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम यह कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र के परिवारों तक ORS के पैकेट पहुंच जाए। छठवां विधायक क्या होता है? विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह की सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ से फैले कूड़े को साफ कराने का अभियान शुरू किया। उक्त भाग में आपने विधानसभा में चल रही बहस के बारे में पढ़ा है। सदस्य सरकार द्वारा की गई या ना की गई कार्रवाई पर बहस कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन की विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है, जो उनके प्रभारी होते हैं। इन सबको सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्रित होते हैं विधायिका कहलाती है। क्या कहलाती है? विधायिका।
विधायिका के रूप में भी सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने के अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। जैसा कि आपने पाठ के प्रारंभ में देखा था कि इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है, ठीक है। आप लोगों को पता है हमारे देश में इतनी बदतर स्थिति है कि कहीं भी अगर अभी बिहार में वो चमकी बुखार था, कौन सा बुखार था, उससे कई बच्चे मारे गए, तो जो सत्ता पक्ष है अभी वो क्या बोल रही है कांग्रेस पे, दूसरे मतलब विरोधी दलों के बारे में, कि उसके समय में ज्यादा मारे जाते थे, मेरे समय में कम। अरे भाई, कंपटीशन थोड़ी चल रहा है कि तुम्हारी सत्ता में इतने मारे जा रहे हैं, उनके सत्ता में इतने मारे जा रहे हैं। अरे, जान की कोई कीमत होती है? इसी तरह यूपी में मैंने देखा कि अभी इन्फ्लाइटिस कोई बुखार आया था, तो उसमें बहुत बच्चे मारे गए, तो उसमें यही कहा गया कि 2017 से पहले दुगने बच्चे मारे जाते थे, वो तो मैंने कम कर लिए भाई, एहसान थोड़ी कर दिया। उनसे पूछो जिनके बच्चे मर रहे हैं, उन्हें कैसा बीतता होगा। किसी की कंपटीशन मत करो, नेता तो वही है कि जो अच्छा काम करे, लेकिन अब तो नेता की परिभाषा बदल के रख दी है इन नेताओं ने। चलिए, जो भी है अच्छा है, भगवान भरोसे चल रहा है, सब चलने दीजिए। बात करते हैं शासन की कार्यप्रणाली। केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती। आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बात करते देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इसी तरह का एक तरीका यहाँ देखिए, विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफी संख्या में आए। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। इस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। अगले पृष्ठ में ऐसी ही एक रिपोर्ट दी गई। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले के दौरे पर गए। उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी। वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं है, वरन पानी पीने में कि स्वच्छ पानी की कमी भी है। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय जांच गठित की जाएगी जो साफ सफाई सुविधाओं के लिए जिले की जरूरतों के बारे में विचार करेगी। लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दें। सरकार ने कचरे की सुधली, मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वादा। पिछले कुछ सप्ताह में राज्य के कुछ जिलों में अनेक लोग मौत के शिकार हो चुके। इस बात पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई। सरकार ने स्थिति को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। आज हुई प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने सभी जिलाधीशों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देश दिए गए। सबसे महत्वपूर्ण समस्या पीने के पानी की थी। मंत्री महोदय ने कहा कि उनकी मंशा पानी के टैंकरों द्वारा हर गांव में पीने का पानी पहुंचाने की है। मुख्यमंत्री ने इस कार्य के लिए धन उपलब्ध कराने का वचन दिया। उनकी योजना एक जन अभियान चलाकर लोगों को यह जानकारी देने की थी कि किन उपायों द्वारा हैजे से बचा जा सकता है। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि महीनों से जमा कचरे को जल्दी हटाने के लिए क्या किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि वे इस बारे में देखेंगे। जैसा आपने ऊपर देखा है कि वे लोग जो सत्ता में हैं, जैसे मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है। प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों से भी इन विषयों पर चर्चा होती है, जिनका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना।
सरकार साहब सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। संसद के बारे में आप अगले वर्ष पढ़ेंगे कक्षा 8वीं में। लोकतंत्र में विधायकों एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुखता जनता का ही होता है। फिर भी पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं। कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग, इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उनसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। लोकतंत्र में लोग अपना मत व्यक्त करते हैं और सरकार का विरोध करने के लिए सभाएं आयोजित करते हैं। बात करते हैं वॉलपेपर की परियोजना। वॉलपेपर एक मजेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी विषय पर शोध किया जा सकता है। यहाँ से जो तस्वीरें गई हैं वे कक्षा में वॉलपेपर बनाने के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती हैं। शिक्षिका चुने गए विषयों का पूरी कक्षा को परिचय देती है और संक्षिप्त चर्चा करके कक्षा को समूह में बांट देती है। समूह उस मुद्दे पर चर्चा करते हैं और तय करता है कि वॉल पेपर में क्या क्या रखना चाहिएगा। इसके बाद बच्चे अपने आप या दो या की जोड़ी में इकट्ठी की गई सामग्री को पढ़ते हैं और अपने अनुभवों और विचारों को लिखते हैं। इसके लिए भी कविताएं, कहानियां, साक्षात्कार और विवरणों आदि की रचना कर सकते हैं। जो भी सामग्री चुनी गई, बनाई गई या लिखी गई है उसे समूह के लोग मिलकर देख लेते हैं। वे एक दूसरे के लिए लिखे हुए को पढ़ते हैं, अपने सुझाव देते हैं। वे मिलकर यह तय करते हैं कि वॉलपेपर में क्या जाएगा और फिर उसका लेआउट बनाते हैं। ठीक। इसके बाद प्रत्येक समूह अपना वॉलपेपर पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करता है। यह महत्वपूर्ण है कि समूह के एक से अधिक सदस्य को प्रस्तुत करने को कहा जाए और सभी समूहों का अपना काम बताने के लिए बराबर का समय मिले। जब सभी समूह अपना प्रस्तुतिकरण कर लें तो समीक्षा के लिए ऐसे प्रश्न पूछना अच्छा रहता है। अपने आप वे और क्या क्या कर सकते हैं, क्या करने से उनका काम और ज्यादा व्यवस्थित हो जाता है। लेखन और प्रस्तुतिकरण में सुधार के लिए क्या किया जा सकता है। सन 2006 में डेंगू की महामारी के विषय में यह वॉलपेपर कक्षा 6वीं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक हिंडन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों ने बनाया था। ठीक है। ये आपके क्वेश्चन हैं इसी अध्याय से संबंधित। ठीक, जो आप लोगों को देख लेना है। इसमें कुछ जो हम लोगों ने शब्द देखे हैं उन्हीं से संबंधित आपके कुछ शब्द संकलन है। जैसे निर्वाचन क्षेत्र देखा है इस चैप्टर में हम लोगों ने। निर्वाचन क्षेत्र का तात्पर्य होता है कि इसका तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र से है जहाँ रहने वाले सभी संवाददाता अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई पंचायत का वार्ड या वह क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा सदस्य चुनता है। बहुमत की बात करें तो इसका असर ऐसी स्थिति से है जहाँ किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय विचार से सहमत हों। इसे साधारण बहुमत भी कहते हैं। विरोधी पक्ष, इसका तात्पर्य उन चुने हुए प्रतिनिधियों से होता है जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं है, जिनकी भूमिका सरकारी निर्णयों और कार्यों पर प्रश्न उठाने, विधानसभा में विचार के लिए नए मुद्दे उठाने की होती है। फेस वार्ता के बारे में बात करें तो मीडिया से संबंधित पत्रकारों का ऐसा समूह जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और उस पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया हो। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे मीडिया के माध्यम से इसके बारे में बड़े जन समूह की को बताएं। ठीक। तो यह आपका तीसरा चैप्टर था। क्या था? राज्य शासन कैसे काम करता है। आगे हम लोग तीसरी इकाई में
चौथा चैप्टर देखेंगे लड़के और लड़कियों के रूम में बड़ा होना देखेंगे, ठीक है, चौथे चैप्टर में, फोर्थ नंबर भी।